जय जिनेंद्र छड़ाला की पाठशाला कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है। हमने भाषा समिति के पहले की जो समिति एरिया समिति उसका स्वरूप समझा। क्या है एरिया समिति? एरिया समिति का मतलब है चार हाथ आगे की जमीन देखकर चलना। मुनिराज अपनी शर्तों पे सारा काम करते हैं। मुनिराज अन्य किसी जीव को बाधा पहुँचाए बिना अपना गमन आवगमन करते हैं, तो इसीलिए यदि वे चलते हैं तो किसी जीव को बाधा नहीं पहुंचाते, किसी जीव की हिंसा नहीं होने देते, और यही कारण है कि उनके द्वारा सहज में चार आगे की जमीन देखकर ही गमन होता है, और इसी का नाम है एरिया समिति। आगे अगली समिति है भाषा समिति। क्या है भाषा समिति का स्वरूप? आइए देखते हैं दौलत राम जी के शब्दों में। जग सोहित कर सब आहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हर, ब्रह्म रोग हर जिन के वचन मुख, चंद्र ते अमृत झरे। जग सुहित कर अर्थात जगत का हित करने वाले, सब अहित हर अर्थात सबके अहित को दूर करने वाले, श्रुति सुखद सुनने में जो सुखद लगे, सब संशय हरे अर्थात किसी प्रकार का कोई संशय हो संदेह हो तो उसको दूर करते हैं, ब्रह्म रोग हर ब्रह्म रूपी रोग को दूर करने वाले, जिनके वचन जिन मुनिराज के वचन ऐसे होते हैं मानो मुख चंद्र ते अमृत झरे, जैसे कोई चंद्रमा से अमृत झर रहा हो, मानो हमारे कानों में कोई मिश्री डाल रहा हो, इस प्रकार से मुनिराज के वचन होते हैं। यह है भाषा समिति। आप कहेंगे सत्य महाव्रत आपने कहा तो वहाँ भाषा की चर्चा तो हो ही गई, लेकिन सत्य महाव्रत में तो इतनी बात थी कि जो बोले वे सत्य बोले, लेकिन भाषा समिति ये कहती है कि बोले लेकिन बोलने में भी हित मित और प्रिय बोले, अर्थात सत्य भी ऐसा बोले जो जीवों के लिए हितकारी हो और अत्यंत अल्प अक्षरों में अधिक अर्थ का निरूपण करने वाली वाणी हो। इसी प्रकार वाणी ऐसी हो जो सुनने में प्रिय लगे, मधुर लगे, अर्थात मुनिराज के वचन ऐसे होते हैं मानो कि कोई हमें अमृत पिला रहा हो। जब मुनिराज जंगल में ध्यानस्थ होते हैं तो उनकी शांत मुद्रा को देखकर बड़े बड़े हिंसक पशु पक्षी भी अपने हिंसक भाव को छोड़ देते हैं। मुनिराज के अंतरंग में इतना धर्ममयी जीवन होता है कि उनकी वाणी धर्म में निकलती है और उस धर्म में वाणी को सुनने के लिए भव्य जीव अत्यंत पिपासु होते हैं, उनकी वाणी को सुनने के लिए उतारू होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सुनने में अत्यंत सुखद होती है और हमारे सारे संशय को, हमारे अंदर में पाए जाने वाले सारे भ्रम को दूर कर देती है। दूसरे शब्दों में कहें तो मुनिराज के वचन मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान को दूर करके वो सम्यक और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति कराते हैं, सम्यक चैत की प्राप्ति कराते हैं, इसलिए ऐसे वचनों को सुनने के लिए समस्त प्राणी आतुर होते हैं। मुनिराज के वचन किसी की निंदा करने वाले नहीं होते, ऐसे वचन नहीं होते जो सुनने में किसी को अप्रिय लगे, यहाँ तक कि सावध्य वचन नहीं होते जिन वचनों के द्वारा किसी की हिंसा होवे, इस प्रकार के वचन मुनिराज नहीं बोलते। सत्य भी वो ऐसा बोलते हैं जो जीवों को हितकारी होता है। यदि ऐसा सत्य होवे जिसके द्वारा किसी जीव की हिंसा होती हो तो मुनिराज ऐसे सत्य को भी नहीं बोलते। असत्य के अंदर हमने पढ़ा कि किसी की चुगली करना, कलह के वचन बोलना, कठोर वचन बोलना, निंद वचन बोलना, तो ये सारे वचन असत्य के अंतर्गत आते हैं और मुनिराज असत्य के त्यागी होते हैं, इसलिए मुनिराज इन वचनों का कभी भी प्रयोग नहीं करते। असत्य बोलने के चार कारण होते हैं, हिंस, क्रोध, लोभ, हास्य और भय। मुनिराज के न क्रोध होता है, न लोभ होता है, न हास्य होता है, न भय होता है, यही कारण है कि मुनिराज के सारे वचन सत्य रूप ही होते हैं। वे कभी किसी की हिंसा करने वाले वचन नहीं कहते, वे कभी ये नहीं कहते कि इसका घात कर दो, किसी का नाश कर दो, मुनिराज के ऐसे वचन नहीं निकलते। मुनिराज कभी किसी की निंदा नहीं करते, मुनिराज कभी किसी की कठोर वचन नहीं बोलते। मुनिराज वास्तव में भाषा समिति के धारक होते हैं और इसलिए उनके वचन हैं।
हित मित और प्रिय होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि मुनिराज के जीवन में बोलना तो अत्यंत आवश्यक होता है, लेकिन अत्यंत आवश्यक बोलने पर भी वे उतना ही बोलते हैं कि जिससे कि उनका प्रयोजन सिद्ध हो जाए, अर्थात वे अनावश्यक कुछ नहीं बोलते और जो बोलते हैं वो सब प्राणियों के लिए हितकारी और मधुर होता है। और मुनिराज वचन गुप्ति के माध्यम से कोशिश तो यही करते हैं कि बोलना पड़े ही नहीं, लेकिन जब बोलना अत्यंत आवश्यक हो जाता है तो फिर बोलने में अत्यंत अल्प अक्षरों का प्रयोग करके और अपने कार्य को सार लेते हैं। इस प्रकार से हमने इरिया समिति और भाषा समिति का स्वरूप समझा। मुनिराज के जीवन में चलना आवश्यक है। चलना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि यदि मुनिराज एक स्थान पर रहेंगे तो उस स्थान पर अधिक दिन रहने से, उस क्षेत्र से और उस स्थान के रहने वाले लोगों से राग हो सकता है। आहार में वे अत्यधिक आग्रह कर सकते हैं। मुनिराज के प्रति जो उनको भय था वह भय भी समाप्त हो जाता है और मुनिराज से अत्यंत जब आसक्ति अत्यंत राग बढ़ता है तो एक परिवार जैसा लगने लगता है। यही कारण है कि मुनिराज एक स्थान पर अधिक दिन नहीं ठहरते। मुनिराज को बहते हुए जल की उपमा दी गई है। जिस प्रकार जो नदी का बहता हुआ जल होता है वो किसी एक स्थान पर नहीं रुकता, यहाँ तक कि बीच में यदि पहाड़ भी आ जाते हैं तो पहाड़ से भी अपना रास्ता निकाल लेता है। ठीक उसी प्रकार मुनिराज किसी एक क्षेत्र पर अधिक समय नहीं रहते। उनके अधिक एक क्षेत्र पर अधिक समय नहीं रहने का कारण यही है कि यदि एक क्षेत्र पर अधिक दिन रहेंगे तो उस क्षेत्र के रहने वाले निवासियों से राग हुए बिना नहीं रहेगा, और राग के त्याग करने के लिए उन्होंने मुनि दशा अंगीकार की। उन्होंने जब अपने परिवार का भी राग छोड़ दिया तो अब संसार के किसी भी व्यक्ति का राग वे भला क्यों करेंगे। और यही कारण है कि मुनिराज के लिए सतत विहार करना आवश्यक बताया गया है। तो जब उनके लिए विहार आवश्यक है तो वे विहार कैसा करते हैं, तो कहा है कि वे विहार ऐसा करते हैं कि जिसके द्वारा किसी जीव की कोई हिंसा नहीं होती, अर्थात वे चार आगे की जमीन देख के चलते हैं। बोलना उनके लिए आवश्यक है। प्रायश्चित आदि कार्यों में, धर्मोपदेश आदि कार्यों में बोलना आवश्यक होता है। तो जब वे बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं जो सुनने में मधुर होता है और शिष्य के लिए हितकारी होता है। इस प्रकार हमने इरिया और भाषा समिति का स्वरूप समझा। हम आगे समझेंगे क्या है एषणा, आदान निक्षेपण और विसर्ग समिति का स्वरूप। तब तक के लिए आप सभी देखिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। पाठशाला सार मूर्छा अर्थात ममत्व भाव परिग्रह है। मुनिराज समस्त प्रकार के अंतरंग परिग्रह मूर्छा एवं उसके कारण रूप बहिरंग परिग्रह के त्यागी होते हैं। मुनिराज के तीव्र राग आदि के अभाव में प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होती है, इसी कारण वे सहज ही समितियों का पालन कर लेते हैं। तीन भुवन राग विज्ञान शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रयोग संहरि गए नमः त्रयोग संहरि गए जय जिनेंद्र। छठडाला की पाठशाला कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। छठी ढाल की चर्चा हमने प्रारंभ की है। छठी ढाल के अंतर्गत पंच महाव्रतों की चर्चा चल रही है, उसी चर्चा को हम मंगलाचरण के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्झायाणम, नमो लोए सवसाहुणम। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके।
मुनिराज के 28 मूल गुणों की चर्चा हमने प्रारंभ की थी। 28 मूल गुणों में सर्वप्रथम मूल गुण है पांच महाव्रत। पांच महाव्रत में हमने अहिंसा महाव्रत की चर्चा की। अहिंसा के दो भेद कहे, द्रव्य अहिंसा और भाव अहिंसा। द्रव्य अहिंसा के अंतर्गत मुनिराज 6 काय के जीवों की हिंसा का त्याग करते हैं। भाव अहिंसा में मुनिराज 3 कषाय चौकड़ी का जो राग है अर्थात समस्त प्रकार के रागादि भाव का त्याग करते हैं। और मुनिराज रंच मात्र भी झूठ नहीं बोलते और मुनिराज बिना दी हुई जल और पानी का भी ग्रहण नहीं करते। 18 प्रकार के शील के भेदों का 18,000 शील के भेदों का पालन करते हैं और अपने निज आत्मा में रमण करते हैं। यह है मुनिराज के 4 महाव्रत। अब इसके आगे हम चर्चा करेंगे क्या है परिग्रह त्याग महाव्रत का स्वरूप। गृहस्थों के होते हैं परिग्रह परिमाण अणुव्रत और मुनिराज के होते हैं परिग्रह त्याग महाव्रत। गृहस्थ परिग्रह का परिमाण करता है और मुनिराज परिग्रह का त्याग करते हैं, इसलिए मुनिराज के महाव्रत को अपरिग्रह महाव्रत अथवा परिग्रह त्याग महाव्रत कहा जाता है। आइए दौलत राम जी के शब्दों में देखते हैं क्या है परिग्रह त्याग महाव्रत का स्वरूप। अंतर चतुर दश भेद बाहर संग दश दाते टले परमाद तजि चोकर मही लखि समिति इरियाते चले जग सुहित कर सब अहित हर श्रुति सुखद सब संशय हरे भ्रम रोग हर जिन के वचन मुख चंद्र ते अमृत झरे। भावार्थ। मुनि 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह है और 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह से दूर रहते हैं। यह अपरिग्रह महाव्रत है। वे मुनि जीव रक्षा के विचार से सावधानी पूर्वक 4 हाथ आगे की जमीन देख कर चलते हैं। यह ईर्या समिति है। वे मुनि जगत के लिए कल्याणकारी, सब बुराइयों को नष्ट करने वाले, सुनने में मधुर लगने वाले, संदेह को दूर करने वाले और मिथ्यात्व रूपी रोग का नाश करने वाले ऐसे वचन बोलते हैं कि मानो मुख रूपी चंद्रमा से अमृत झर रहा हो। यह भाषा समिति है। अंतर चतुर्दश भेद बाहर संग दशधा ते टले। अंतर चतुर्दश अर्थात अंतरंग परिग्रह होते हैं चतुर्दश यानी 14 होते हैं अंतरंग परिग्रह। और भेद बाहर संग दशधा अर्थात बाहर का जो संग है बहिरंग जो परिग्रह है वे कितने प्रकार के होते हैं 10। ते टले उनका मुनिराज त्याग करते हैं अर्थात अंतरंग 14 परिग्रह और बहिरंग 10 परिग्रहों का मुनिराज त्याग करते हैं। क्या है वे अंतरंग परिग्रह और क्या है बहिरंग परिग्रह? तो बहिरंग परिग्रह तो अत्यंत सरल है। 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह हैं जिन्हें हम 5 जोड़ों के माध्यम से समझ सकते हैं। क्षेत्र मकान, वस्त्र बर्तन, दास दासी, सोना चांदी, धन धान्य। इस प्रकार से 10 परिग्रह होते हैं। वास्तव में परिग्रह 10 ही नहीं है, 10 तो उपलक्षण है। जैसे हमने किसी व्यक्ति को कहा कि भैया बिल्ली से दूध की रक्षा करना और हम थोड़ी देर बाद उसके पास आए और पता चला कि दूध तो वहाँ है ही नहीं। हमने उससे पूछा भाई दूध कहाँ गया? उसने कहा वो जो है कुत्ता आके दूध पी गया। हमने कहा कुत्ते को दूध क्यों पीने दिया? उसने कहा भैया आपने कहा था कि बिल्ली से दूध की रक्षा करना, तो हमने बिल्ली से दूध की रक्षा की, अब कुत्ता आके पी गया तो मैं क्या करूं? लेकिन वास्तव में भाव यहाँ समझने का था कि दूध की रक्षा करना न केवल बिल्ली से अपितु कोई भी प्रकार का प्राणी हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, कोई भी हो, उससे दूध की रक्षा करने के लिए कहा था। जैसे हम किसी को कहते हैं, कोई सासू जी अपनी बहू को कहती है कि तुम कचरा आदमी देख के फेंकना, तो उसका क्या भाव है? क्या आदमी को देख के कचरा फेंका जाए? नहीं, बल्कि जब आदमी नहीं हो तब कचरा फेंका जाए। ठीक उसी प्रकार यहाँ 10 परिग्रह जो कहे गए हैं तो वास्तव में परिग्रह 10 ही नहीं है। ये 10 तो केवल एक लक्षण मात्र समझाने के लिए कहे गए हैं। परिग्रह तो अनेक हो सकते हैं। आज की दुनिया में मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, ये सब भी परिग्रह है। तो मुनिराज किसी प्रकार का परिग्रह नहीं रखते। तिल तुष मात्र संग नहीं जिनके, अर्थात मुनिराज के तिल जितना मात्र परिग्रह भी नहीं होता।
समस्त प्रकार के परिग्रह के त्यागी होते हैं। आप कह सकते हैं उनके पीछे कमंडल तो होता है, लेकिन पीछे कमंडल परिग्रह नहीं माना गया है। पीछे कमंडल उनके संयम और उनके सोच के उपकरण माने गए हैं। पीछे जीव रक्षा के लिए है और कमंडल शुचिता के लिए, सोच के लिए, इसलिए उसे परिग्रह नहीं कहा गया है। परिग्रह उसको कहते हैं जिसकी दुनिया को इच्छा होती है। पीछे कमंडल कोई लेना नहीं चाहता, लेकिन अन्य जितने भी परिग्रह है, सोना, चांदी, मकान, धन धान्य, कपड़े, बर्तन, इन सबको सारी दुनिया हड़पना चाहती है। इसलिए मुनिराज ऐसी कोई चीज़ नहीं रखते जिसकी कि असंयमी जनों को इच्छा होती है। जो असंयमी जनों के द्वारा प्रार्थनी होता है, असंयमी जन जिसे चाहते हैं, ऐसी किसी वस्तु को मुनिराज नहीं रखते। और यही कारण है कि मुनिराज अपने पास में वस्त्र का भी नहीं परिग्रह रखते हैं। यदि एक लंगोटी भी होगी तो उस लंगोटी के लिए भी अनेक वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी। लंगोटी को धोना पड़ेगा, धोने के लिए पानी चाहिएगा, पानी के लिए बाल्टी चाहिएगी, साबुन चाहिएगा, लंगोट को सुखाने के लिए एक किसी प्रकार की रस्सी चाहिएगी। और ही नहीं, जब लंगोट हमारी गंदी हो जाएगी, मेली हो जाएगी, तो नई लंगोट के लिए हमें किसी से याचना करनी पड़ेगी। और जब लंगोट सूखेगी तो उसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। तो हम जब लंगोट को सुखाएंगे तो अपनी आत्मा के कर्मों को कब सुखाएंगे? यही कारण है कि मुनिराज के समस्त प्रकार के परिग्रह का त्याग कहा गया है। मुनिराज रंच मात्र भी परिग्रह अपने पास नहीं रखते। असंयमी जन जिन जिन चीज़ों की इच्छा करते हैं, उन चीज़ों को मुनिराज कभी नहीं लेते। मुनिराज उसी चीज़ को ग्रहण करते हैं जिसकी की प्रार्थना असंयमी नहीं करते। पीछे कमंडल की असंयमी प्रार्थना नहीं करते, इसलिए मुनिराज उसको ग्रहण करते हैं। इसलिए मुनिराज के लिए पीछे कमंडल परिग्रह नहीं कहा गया है। इस प्रकार से मुनिराज 10 प्रकार के परिग्रह के त्यागी होते हैं। और 10 ही प्रकार नहीं, अभी तो हम ये कहें कि पीछे कमंडल और शास्त्र के अलावा मुनिराज समस्त प्रकार के परिग्रह के त्यागी होते हैं। तो ये तो हुआ बहिरंग परिग्रह त्याग की बात। अंतरंग के कौन से परिग्रह के त्यागी होते हैं, इसकी चर्चा हम एक अल्प विराम के बाद करेंगे। जय जिनेन्द्र छड़ाला की पाठशाला कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है। पंच महाव्रतों की चर्चा हम कर रहे थे। हमने बहिरंग परिग्रह त्याग की चर्चा की, हम चर्चा करेंगे अंतरंग परिग्रह त्याग की। अंतरंग परिग्रह कितने प्रकार के होते हैं? तो अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार के हैं। मिथ्यात्व सबसे पहला परिग्रह है, उसके बाद में है क्रोध, मान, माया, लोभ, और अंत में है नौ कषाय: हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। तो मुनिराज इन 14 परिग्रह के त्यागी किस प्रकार से होते हैं? तो मिथ्यात्व तो उनके रंच मात्र भी नहीं होता, मिथ्यात्व रूपी परिग्रह के तो वे पूरे त्यागी होते हैं। और क्रोध, मान, माया, लोभ में उनके 3 प्रकार की कषाय चौकड़ी नहीं होती: अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, और प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ के त्यागी होते हैं। और नौ कषाय के अत्यंत तीव्र राग के त्यागी होते हैं, अर्थात नौ कषाय भी उनके अत्यंत मंद होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मुनिराज के मिथ्यात्व परिग्रह का पूरी तरह से त्याग होता है और शेष कषायों का उनकी भूमिका के अनुसार 3 कषाय चुकड़ी का त्याग होता है और बाकी की भी जो कषाय हैं वो उनके अत्यंत मंद होती है। इस प्रकार से मुनिराज अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह के त्यागी होते हैं। मुनिराज 5 इंद्रिय के विषयों में रागद्वेष नहीं करते, क्योंकि परिग्रह त्याग व्रत के अंतर्गत जो भावनाएं कही है, यही कही है कि पंचेंद्रिय के मनोज्ञ विषयों में राग नहीं करना और पंचेंद्रिय के अमनोज्ञ विषयों में द्वेष नहीं करना। तो मुनिराज 5 इंद्रिय के विषयों में किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं करते, यही उनकी परिग्रह त्याग व्रत की भावना है। अर्थात ठंडी गर्मी में राग द्वेष नहीं करते, रस नीरस भोजन में किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं करते, प्रशंसा निंदा में राग द्वेष नहीं करते, और
रूप अच्छा लगे चाहे बुरा लगे उसमें राग द्वेष नहीं होता, सुगंध दुर्गंध में रागी द्वेष ही नहीं होते। इस प्रकार हम देखते हैं मुनिराज पांच इंद्रिय के विषय को जीतते हैं और उनके परिग्रह त्याग महाव्रत पूर्ण रूप से होता है। ये परिग्रह त्याग महाव्रत मुनिराज के ही संभव है। इस प्रकार से पांच महाव्रत मुनिराज के होते हैं और इन पांच महाव्रतों की रक्षा के लिए पांच होती है समिति। यद्यपि मुनिराज पूर्ण निवृत्तिमय जीवन जीना चाहते हैं लेकिन मुनि जीवन में कई क्रियाएं ऐसी होती है कि जिनका त्याग संभव नहीं है। अर्थात यद्यपि वे निवृत्ति में ही रहना चाहते हैं लेकिन प्रवृत्ति में आए बिना काम नहीं चलता। जैसे यदि मुनि हैं और जब तक शरीर है तो शरीर की स्थिति के लिए आहार करना आवश्यक होगा, आहार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना आवश्यक होगा, शिष्यों को पढ़ाने हेतु अथवा आचार्य परमेष्ठी अपने अन्य शिष्यों को समझाने के लिए उपदेश आदि देते हैं और आचार्य परमेष्ठी अपने शिष्यों को प्रायश्चित आदि देते हैं, तो प्रायश्चित आदि देने में उन्हें बोलने का काम पड़ता है। उसी प्रकार मुनिराज अपने शरीर की स्थिति के लिए आहार ग्रहण करते हैं तो उसके निमित्त से मलमूत्र होता है, मलमूत्र का त्याग होता है। उसी प्रकार मुनिराज पीछे कमंडल आदि वस्तुओं को उठाते हैं धरते हैं। तो ये जो प्रवृत्ति रूप जीवन है इन प्रवृत्ति रूप जीवन में भी किसी प्रकार की हिंसा ना हो, किसी प्रकार का प्रमाद ना हो, इस हेतु पांच समितियां कही गई है। यद्यपि बने वहाँ तक तो बोला ही नहीं जाए, बने वहाँ तक तो निवृत्ति मार्ग ही जीवन जिया जाए लेकिन मुनि जीवन में प्रवृत्तियाँ होती ही है। अर्थात पूर्ण निवृत्ति मार्ग जब नहीं सकता और जब प्रवृत्ति में आना पड़ता है तो वो प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए, मुनिराज का प्रवृत्तिमय जीवन भी किस प्रकार का होता है, इसको ये पांच समितियां बताती है। जैसे कि यदि चले तो कैसे चले, बोले तो कैसे बोले, खाए तो किस प्रकार का भोजन खाए, जब उठाएं धरे तो किस प्रकार से वस्तु को उठाएं धरे, और जब मलमूत्र का क्षेपण करे तो किस प्रकार से करे, इन बातों को जो बताती है वे है पाँच समितियाँ। ये पाँच समितियाँ वास्तव में मुनिराज के जीवन में सहज पलती है। हम ये भी कह सकते हैं कि जिन मुनिराज के तीन कषाय चौकड़ी के राग का अभाव हो जाता है, अर्थात जिन मुनिराज का राग अत्यंत मंद होता है, तो उनके सारी क्रियाएं प्रमाद के अभाव पूर्वक होती है, सारी क्रियाएं सावधानी पूर्वक स्वरूप की सावधानी पूर्वक होती है। जब ये क्रियाएं स्वरूप की सावधानी पूर्वक और रागादि के अभाव रूप होती है तो उन क्रियाओं में सहज जीवों की दया पलती है, और जब सहज जीवों की दया पलती है तो उनके पाँच समितियों का पालन होता है। क्या है वो पांच समिति? सर्वप्रथम समिति का नाम है इरिया समिति। कैसी है इरिया समिति? परमाद तजी अर्थात प्रमाद का त्याग करके चोकर मही अर्थात चार हाथ आगे की जमीन लखी देखकर समिति इरिया ते चले अर्थात इरिया समिति से चलते हैं। मुनिराज जब चलते हैं तो सामने जमीन को देखकर चलते हैं, इधर उधर नहीं देखते। इधर उधर देखने में रागादि का पोषण होता है, मुनिराज को किसी प्रकार की चीज़ें देखने का कोई राग नहीं रहा है, इसलिए वे सामने चार हाथ आगे की जमीन देखकर चलते हैं। चार हाथ आगे की जमीन देखने का प्रयोजन ये है कि किसी प्रकार से किसी जीव की हिंसा ना हो। यदि मुनिराज सामने देख के नहीं चलेंगे तो किसी भी जीव की हिंसा होना संभावित है, इसलिए मुनिराज जब चलते हैं तो चार हाथ आगे की जमीन देखकर चलते हैं। और वे प्रातःकाल सूर्योदय होने के कुछ घड़ी बाद ही चलना प्रारंभ करते हैं, यहाँ तक कि वे उसी मार्ग पर चलते हैं जिस मार्ग पर पहले अन्य पुरुषों का अथवा अन्य वाहनों का आवागमन हो चुका हो। वे स्वयं किसी मार्ग पर सर्वप्रथम गमन नहीं करते क्योंकि यदि किसी पुरुष और वाहनों का यदि आना जाना हो गया होगा तो वह मार्ग प्रासुक हो गया होगा, अर्थात अब उस मार्ग पर किसी प्रकार की जीवों की हिंसा उनके द्वारा नहीं होगी। इसलिए मुनिराज प्रातःकाल की बेला को छोड़कर अर्थात प्रातःकाल की जब दो घड़ी बीत जाती है और सूर्यास्त में जब दो घड़ी शेष रहती है तब वे विहार को बंद कर देते हैं, किसी प्रकार से चलते नहीं, और जब चलते हैं तब वे बोलते हुए नहीं चलते, अति शीघ्रता से नहीं चलते, इधर उधर देखते हुए नहीं चलते, सामने चार हाथ आगे की जमीन देखकर चलते हैं। और यदि उन्हें जमीन पर अनेक प्रकार के जंतुओं से आकीर्ण भूमि दिखाई दे तो वे चलना बंद कर देते हैं और उसी स्थान पर खड़े हो जाते हैं।
गीली जमीन हो, अंकुरित जमीन हो, ऐसी किसी जमीन पर वे मुनिराज गमन नहीं करते। इसी का नाम है ईर्ष्या समिति। और क्या है आगे की समितियाँ, इसकी चर्चा हम एक अल्प विराम के बाद करेंगे।